तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक नया एपीएन सेटिंग बताने वाले हैं जियो की। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है वीडियो समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरे 300 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का हम वीडियो शुरू कर लेते हैं और किस प्रकार से ये सेटिंग करना है सारा कुछ वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले अपने को जाना है अपने सेटिंग में, फ़ोन के सेटिंग में। उसके बाद यहाँ पर अपना डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क या फिर सिम कार्ड मैनेजर का ऑप्शन भी हो सकता है, तो उसे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना सिम चूज कर लीजिए, सिम वन में जियो है या फिर सिम टू में। उसके बाद वो करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे एक्सेस पॉइंट नेम बोल के एक ऑप्शन दिया जाता है, उसमें क्लिक करना है और फिर यहाँ पर एक बार नीचे आके रिस्टोर कर देना है, ठीक है। रिस्टोर कर देना है, 2 सेकंड का यहाँ पर टाइम लगता है इसको करने में। उसके बाद ऊपर में प्लस का ऑप्शन देख सकते हो, उसको क्लिक करना है, या फिर आपका नीचे भी प्लस का ऑप्शन हो सकता है। तो उसको क्लिक करने के बाद इस तरह का फॉर्म जो है यहाँ पर आ जाता है खुल के। यहाँ पर सबसे पहले आता है नेम, तो नेम में क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को लिखना है जियो, जो कि जे कैपिटल होगा, और स्लैश देके इंटरनेट, ठीक है, जियो इंटरनेट, उधर स्लैश एक स्पेस देके लिखना है 4G और परसेंटेज, जियो स्पेस इंटरनेट और स्पेस 4G परसेंटेज सेव कर देना है। उसके बाद आता है APN, उसके APN में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है जियो, जो कि जे कैपिटल होगा, और IO स्पेस और कैपिटल I इंटरनेट, जियो स्पेस इंटरनेट, इसको भी उसके बाद कर देना है, इसको भी सेव, ठीक है। तो इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद आता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को इस बार नॉट सेट रहने दे, ठीक है इस बार। और उसके बाद पोर्ट को भी नॉट सेट रहने दे, यूज़र को भी, यूज़र नेम को भी इस बार नॉट सेट ही रहने दे। उसके बाद आता है पासवर्ड, पासवर्ड को भी नॉट सेट रहने दे। उसके बाद आता है सर्वर, सर्वर को यहाँ पर आप लोगों को टच करना है और यहाँ पर लिखना है www, यहाँ पर लिखना है www. यहाँ पर कैपिटल जी गूगल .com, ठीक है, google.com। उसके बाद इसको भी सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाता है उसके बाद MMSC, MMS प्रॉक्सी और MMS पोर्ट, ये तीनों आपको नॉट ही सेट रहने ही देना, ठीक है, ये तीनों आपको नॉट सेट रहने देना। उसके बाद आता है MCC और MNC, ये आपका एरिया कोड होता है, इसे छेड़छाड़ ना करें वरना आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है और भी धीरे हो जाएगा। सो ये करने के बाद आप लोगों के पास आ जाता है ऑथेंटिकेशन टाइप, ठीक है फ्रेंड्स, ऑथेंटिकेशन टाइप। तो इसमें एक बार आप लोगों को यहाँ पर टच करना है, ठीक है, और सबसे नीचे वाले में पैप और चैप कर देना है, सबसे नीचे वाले पैप और चैप, ठीक है। ये करने के बाद आता है APN टाइप, इसको आपको नोट सेट ही रहने देना है। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, तो ये आपका हो सकता है आपके फ़ोन में IPv4 या फिर IPv6 होगा, ठीक है, तो वो सबसे नीचे वाले में IPv4/IPv6 तीसरे नंबर वाले में कर देना। उसी प्रकार APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपका फ़ोन में हो सकता है IPv4 हो या फिर IPv6, तो आपको सबसे नीचे वाले में IPv4/IPv6 में कर देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग उसके बाद आ जाता है बियरर, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको टच करना है एक बार और यहाँ पर अनस्पेसिफाइड पे अनटिक करके LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UMTS और EDGE और GPRS, ये सब करने के बाद इसको यहाँ पर सेव कर दे। अगर इतने सारे सपोर्ट नहीं करते तो सिर्फ LTE पर क्लिक करके छोड़ दीजिए। सो ये करने के बाद यहाँ से एक बार कट हो गया, यहाँ पर एमबीनो टाइप को नन रहने दे। उसके बाद यहाँ ऊपर जाकर सेव कर दे, हो सकता है आपको नीचे भी सेव का ऑप्शन हो सकता है, तो ऊपर जाकर सेव कर दीजिए, ठीक है। और एक बार इंटरनेट को स्पीड करने के लिए एक बार ये नीचे वाले जियो इंटरनेट 4G परसेंट है, जो कि अभी अपने इंटरनेट APN क्रिएट किया है, इसमें एक बार टच कर दीजिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के जो APN सेटिंग मैंने बताया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।